हेलो फ्रेंड, कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इस बार भी जैक अपने एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही लेगा, तो मैं आज क्लास 9 का इतिहास बुक का फर्स्ट चैप्टर यानी फ्रांसीसी क्रांति, उनका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ट इम्पोर्टेंट बताऊंगा। तो सिलेबस के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र 2 चैप्टर पूछा जाएगा। फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति, दूसरा चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो मैं आज फ्रांसीसी क्रांति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा। सेकेंड चैप्टर अगर चाहिए तो कॉमेंट में बताएं। उसके के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक फ्रांसीसी क्रांति, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। मैं इसका ऑप्शन नहीं बोलूँगा, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ? इसका आंसर हो जाएगा लुई 16वां। दूसरा है लिब्रे क्या है? लिब्रे क्या है? लिब्रे फ्रांस की मुद्रा। तीसरा क्वेश्चन है, सीधे राज को अदा किए जाने वाले कर को कहते हैं? इसका हो जाएगा टाइल। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन देख कर आप कॉपी में उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टाइड का अर्थ होता है, टाइड का अर्थ होता है? चार ऑप्शन है, 4 में से कैंसर उसका आंसर धार्मिक कर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? ये तो सबको ही पता होगा, वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही वीआई प्रश्न है, ये जरूर ही आता है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो इसका 17 जुलाई 1795 हो जाएगा आंसर। नहीं, गलत, 14 जुलाई 1789 से हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6 है, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पादरी वर्ग। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस का राष्ट्र, पेरिस। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस। सातवां क्वेश्चन था, फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई थी? तो पेरिस। क्वेश्चन नंबर 8, मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगीत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट किसी देश का सम्राट नहीं होगा, तो ये हो जाएगा फ्रांस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 10 है, आतंक का राज्य किसने स्थापित किया? रोबे स्पियर ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, ओलपंद के गुंज कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी महिला। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हो गई? 1848 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी कौन है? पेरिस। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई? लुई 16वां। इसके आंसर क्या हो जाएगा? लुई 16वां। क्वेश्चन नंबर 15 है, टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना का गठन करने का निर्णय किया था? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 7000। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेनर क्या था? मेनर एक स्टेट था। तो
तो अब मैं आ चुका हूँ इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो दूसरा इसके आंसर पाने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ, क्लास 9 का इतिहास किताब का फर्स्ट चैप्टर मतलब फ्रांसीसी क्रांति, इसका तो कंप्लीट करा दिया हूँ, कंप्लीट नहीं। और मैं इसके अलावा अगर कमेंट आएगा कि और चाहिए तो मैं दे दूँगा, लेकिन इसका दूसरा चैप्टर देखने के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इस क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ, फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा कुलीन वर्ग। धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड, मैं अब मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।